एवरीवन, वेलकम टू B2E लर्निंग एंड माय सेल्फ नितेश कटारिया, योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चा, आज हम इस लेक्चर से क्विक रिवीजन प्रोग्राम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। और जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एनालाइज करेंगे तो बच्चा 2016 से लेकर अब तक हर साल की लगभग हर शिफ्ट में बच्चा एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, मतलब 4 मार्क का ये चैप्टर है जो हमको सिक्योर करना है आज इस क्लास के अंदर, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो इंटरेस्टिंग बात है, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, कि जिसका जैसे इसका चैप्टर का नेम है कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअल में तो कॉम्प्लेक्स है नहीं। अगर आप देखोगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अपन डिस्कस भी करेंगे, लाइक जब चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सारे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से आए हुए, तो अपन देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस है बच्चा बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस है। मतलब इजी इन द सेंस कि अगर आपने सारा कुछ पढ़ा है, बेसिक से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का सारा कुछ ध्यान से पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है वो ठीक से पढ़ा है, तो अपना क्वेश्चन को बहुत आराम से करोगे। मतलब क्या हुआ, अपन इस लेक्चर के बाद अपने 4 मार्क्स ना सिक्योर करने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मैं आपको बताता हूं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अपने प्रीवियस क्लास में अब तक अपने क्या पढ़ा है कि भाई कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर आता है, राइट। अगर मैंने एक नेगेटिव का स्क्वायर किया तो भी एक पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव का स्क्वायर किया तो पॉजिटिव आना ही है। मतलब मैंने क्या पढ़ा कि कोई नंबर है उसका स्क्वायर कर दो तो एक नंबर आ जाता है जो होता है पॉजिटिव नंबर। अब तक अपन ने यह पढ़ा, राइट। अच्छा बच्चा, अभी मैं बात करते हैं अपन नेक्स्ट इक्वेशन। अपने पास अब एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, बोल रहे हैं इसको सॉल्व करो, तो कर देते हैं। सॉल्व करने में क्या है, मैंने किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आया। अब x square equal to minus 1 है, मतलब क्या हुआ, ये तो फंस गए भाई, अभी तक की जो information है fail हो गई। क्यों? यहाँ पे एक number है x, जिसका square किया तो आ रहा है क्या, negative 1, minus 1। अब क्या करें? अब मतलब मुझे समझ आ रहा है कि अब ऐसी equation को मुझे solve करना है तो अब तक की information sufficient नहीं है। sufficient नहीं है मतलब क्या करना है, अब कुछ नया पढ़ते हैं, और क्या नया पढ़ते हैं वो अब स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो ध्यान से समझना हर एक पॉइंट को, जहां कंफ्यूजन लगे पॉज करो, वापस से देखो, फिर आगे बढ़ो, राइट। चलो बच्चा, तो x square is equal to कितना, -1। अब जब भी बच्चा ऐसी क्वेश्चन आती है, ऐसी एक इक्वेशन में अपन फंस जाते हैं, तो अपन उससे निकलने के लिए एक नया वेरिएबल, नया सिंबल यूज करते हैं, और सिंबल को अपन बोलते हैं बेटा आयोटा। आयोटा क्या होता है? आयोटा बेटा, आयोटा होता है जिसको अपन सिंपल से स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से। और इसकी वैल्यू कितनी होती बच्चा, इसकी वैल्यू होती √(-1), एकदम सिंपल। क्या किया, जैसे अब तक बच्चा अपन पाई पढ़ते थे कि हाँ, जा भी पाई आया, मुझे समझ आया भाई 22/7 यानी 22/7 या 3.147 कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे ही आयोटा आएगा, ये स्मॉल आई दिखेगा, आप देखते समझ गए भाई ये तो √(-1) है, ये तो पता चल गया, सर ने पढ़ा है, तो बस इतना ध्यान रखना, आयोटा यानी स्मॉल आई दैट इज √(-1), बस इतना। अब इसके अपन ऑपरेशन देखते, अब इससे कैसे इक्वेशन को सॉल्व करें। अच्छा, अब इसकी वैल्यू, अच्छा इसको छोड़ता हूं, मैं बोलता हूं मेरे पास √(-4), सर इसको सॉल्व करके बताओ। अब इसमें बचा ही क्या है, ये हो जाएगा √(4) इनटू √(-1), राइट। √(4) बचपन से करते हैं, क्या होता है, ये होता है +-2, और √(-1) अभी पड़ा, क्या होता है, आयोटा। अच्छा तो सर, अगर मेरे पास रूट के अंदर -4 है तो इसका जो आंसर आ रहा है +-2 आयोटा। हाँ भाई, यही आ रहा है। और अपना माइनस में रूट में, रूट के अंदर कोई माइनस का नंबर निकाल लो, अपन उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छा तो ट्राई करते हैं एक दो वैल्यू, √(16) कितना आएगा, सिंपल दैट विल बी इक्वल टू √(16) इनटू √(-1) करते हैं। √(16) इज +-4, √(-1) इज आयोटा, अभी पढ़ाया आपने सर। अच्छा √(-5) दैट विल बी इक्वल टू √(5) आयोटा। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी क्या समझ आया बच्चा कि जब भी मेरे पास रूट में नेगेटिव नंबर है उसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक सिंबल सा नया सिंबल यूज करना है, और सिंबल को बोलते हैं आयोटा, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस स्मॉल आई से, और जिसकी वैल्यू थी √(-1), डन। अच्छा सर ये तो समझ आ गया, बट अगर इसके कोई पावर्स हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन देखे हैं कई बार कि ऐसे आते हैं कि पावर्स होती है, तो क्या करना है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलना है। और क्या करना है, अब मेरे पास ना इस तरह की वैल्यू आई, अब मैं सबकी वैल्यू समझता हूं। अगर आयोटा है तो आयोटा की वैल्यू अपन ने क्या देखा, √(-1), अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छे समझ आ गया। आयोटा स्क्वायर क्या करेंगे बेटा, अब देख आयोटा स्क्वायर चाहिए तो क्या करना है, मेरे को दोनों तरफ स्क्वायर करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आयोटा तो बन गया आयोटा स्क्वायर, और √(-1) का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो आयोटा रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा और बचेगा क्या, बचेगा -1। अच्छा सर, तो मतलब ये कि जब भी आयोटा स्क्वायर आना है मुझे उसकी जगह -1 पुट कर देना है। हाँ भाई, यही पुट कर देना है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता चली क्या, -1, बढ़िया।
आयटा क्यूब, अब आयटा क्यूब करना है भाई, इसको आयटा से तो मल्टीप्लाई करना है, अगर इसको आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अच्छा सर आयटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयटा होता है, हाँ भाई यही होता है। अब आता है आयटा फोर, आयटा फोर, आयटा फोर इज आयटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट विल बी माइनस वन इंटू माइनस वन, दैट इज इक्वल टू वन। अच्छा अब ये चार बातें समझ आ गए और चार बातें अच्छे से याद कर लो, आयटा रूट ओवर माइनस वन, आयटा स्क्वायर माइनस वन, आयटा क्यूब माइनस आयटा, एंड आयटा रिस्ट पावर फोर इज आयटा रिस्ट पावर फोर इज वन ओनली। ठीक है, अब अगर मेरे को ये चारों बात याद हो गई तो मैं आयटा की कोई भी पावर आए मैं बहुत आसानी से सॉल्व करूंगा, क्यों, क्योंकि पैटर्न बनेगा। अच्छा पैटर्न क्या बनेगा सर बताओ जरा, मैं बताता हूं बेटा, जैसे ये समझ आए अब आता है आयटा रिस्ट पावर फाइव। अच्छा आयटा रिस्ट पावर फाइव दैट विल बी इक्वल टू आयटा रिस्ट पावर फोर इंटू आयोटा। अच्छा आयटा रिस्ट पावर फोर कितना है सर, आपने बताया वन है, हाँ तो वन है, और आयटा कितना है, आयटा है, तो आंसर हो जाएगा बेटा आयोटा, वन इंटू आयोटा, राइट। अच्छा आयटा रिस्ट पावर सिक्स दैट विल बी इक्वल टू आयटा रिस्ट पावर फोर इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है सर, माइनस वन होता है, होता है। अपना आयटा की कोई भी पावर ले लो, कोई भी पावर, आपने क्या देखना है पैटर्न बनेगा, कौन सा पैटर्न बनेगा, आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा वन, आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा वन, और ये सेम पैटर्न चलता रहेगा। अच्छा तो साइकिल क्या चल रही है, अगर ध्यान से समझोगे तो साइकिल चल रही है फोर की, ये दोनों सेम और आगे आने वाले इस तरह से सेम आते जाएंगे, मतलब हर फोर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। तो करना क्या है, तो मेरे को समझ आ रहा है क्या करना है, पावर चल रही है फोर की और कैसी चल रही है, इस फॉर्म में चल रही है। पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहां से, मतलब जब भी आयटा की पावर इस तरह से हो कि उस वैल्यू को जो पावर उसे मैं 4n प्लस समथिंग की फॉर्म में लिख पा रहा हूं, तो 4n प्लस समथिंग क्या होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 3 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना क्योंकि रिमाइंडर है। ठीक है, ये बच्चे बचपन में पढ़ने पड़ा है कि अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, बस। तो ये सारी वैल्यूज पॉसिबल लिख दी अपन ने। अच्छा तो आयटा रिस्ट पावर 4n प्लस 1 जब भी ऐसा आएगा बेटा आपने क्या कर देना, आप इसको लिख देना आयटा रिस्ट पावर 1 जिसकी वैल्यू होती है ओनली आयोटा, यानी कि रूट ओवर माइनस 1। ठीक है, अच्छा सर अगर आयटा रिस्ट पावर 4n प्लस 2 आता है तो बेटा क्या करोगे, तो इसको आप कर दोगे आयटा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1, और आयटा क्यूब आएगा तो बेटा आप कर दोगे आयटा रिस्ट पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा, और अगर आयटा रिस्ट पावर 4n है तो इसको आप कर दोगे बेटा आयटा रिस्ट पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा सर तो मतलब क्या समझ आया कि आयटा की पावर कोई भी हो, आयटा की पावर कोई भी हो, आपने क्या करना है 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर की फॉर्म देखनी है। अब क्या करना है, जब भी रिमाइंडर 1 आएगा आपने पुट कर देना 1, जब भी रिमाइंडर 2 आएगा आपने पुट कर देना 2, 3 आने पर 3 और 0 आने पर पुट कर देना 4। क्यों, क्योंकि आयटा रिस्ट पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आयटा की कोई भी पावर लो, कोई भी रैंडम में लेता हूं भाई सर, मेरे पास ना आयटा रिस्ट पावर 63 है, इसको सॉल्व करके बताओ। अभी बता देते हैं है क्या क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना। अगेन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको लग रहा होगा सर इतना बेसिक क्यों बता रहे हो, तो सबको आता है बच्चा, सबको नहीं आता, अगर सबको आता होता तो फिर तो बात ही कुछ और होती। तो आपको ये समझना है, जब इस पे अपना हैंड स्ट्रांग हो जाएगा, जब मेरे को समझ आएगा कि आयटा का सर कोई भी ऑपरेशन में चुटकी में कर दूंगा तब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पाएंगे, सर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी बेसिक में चुटकी में कर दूंगा तब अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन पाएंगे। ये स्टेप है ना, सीधे अपने को सेकंड फ्लोर पे नहीं जाना भाई, पहले ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करो, वही अपन कर रहे हैं। तो आया आयटा रिस्ट पावर 63, सर सॉल्व करके दिखाना, करना क्या है बेटा, पावर क्या है 63, क्या करना है 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। अच्छा तो डिवाइड करो ना, 60 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 63, को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 3, तो दिस विल बी इक्वल टू आयटा रेस टू पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। समझ आया बच्चा, कंफ्यूज मत हो ना, कई बार मैं गलती से आयटा ये लिखूंगा कई बार ये लिखूंगा, तो बात वही है, दोनों है रूट ओवर माइनस 1। ठीक है, नो कंफ्यूजन एट ऑल। चलो बढ़िया, तो क्या आया आयटा रेस्ट पावर 63 कितना है, बस माइनस आयटा। अच्छा सर तो कोई भी पावर करेंगे तो अपन उसको इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे, पॉइंट इज क्लियर, अच्छे से देख लो। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज और बता दो बच्चा, वैसे सबको पता है बट स्टिल बता देता हूं जनरल नॉलेज, अगर मेरे पास 63 था तो पावर आ गया कितना, रिजल्ट कितना, रिमाइंडर कितना है 3, मैंने पुट कर दिया सॉल्व कर दिया। अच्छा अगर पावर 163 होता, पावर अगर पावर 1163 होता, 111 होता, 047, यानी कि मैं बोलता हूं कि आयटा के पावर है 4876364216 3। अब सर बताओ अब कैसे 4 से डिवाइड करें, क्या पूरे नंबर को करेंगे, नहीं भाई, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है बेटा अपने को, कि अगर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है
या रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ लास्ट की टू डिजिट पे ध्यान देना है और लास्ट की टू डिजिट को ही 4 से डिवाइड करना है। जो लास्ट की टू डिजिट रिमाइंडर देगी वही ये पूरा नंबर रिमाइंडर देगा। तो रादर देन कि आप पूरे नंबर का डिवीजन करो और 4 का रिमाइंडर फाइंड करो, ना भाई, सिर्फ 63 को चेक करो, 63 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ रहा 3, सीधे 3 पुट कर दो। क्लियर है? और अपन ऐसा ही करेंगे। चलो बच्चा अब ना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, 100% आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर लग रहा है नहीं हो पा रहा, फंस रहा है, पॉज करो, आराम से मेरा वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो, उसके बाद फिर ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा, आइटर स्क्वायर 38, सर ये तो 63 जो करा है उससे भी आसान है। क्या करना है, आइटर स्क्वायर 38 को डिवाइड करो 4 से। अच्छा, 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा कितना, 2। और जैसे आइटर स्क्वायर बना तो आइटर स्क्वायर कितना होता है, -1। अच्छा सर, इसका आंसर तो -1 है, समझ आया, बहुत बढ़िया। चलो अब ये ट्राई करते हैं, आइटर स्क्वायर 1929। अब देखोगे ना जैसे जैसे आप, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अच्छा भाई, 1929 को 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर फाइंड करना है, क्या करूं, सिर्फ 29 को डिवाइड करूं। अच्छा, 29 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। मतलब सर इसका जो आंसर आ रहा है वो है आइटर स्क्वायर 1, दैट इज ओनली आयोटा, जो होता है रूट ओवर -1। डन। अच्छा बच्चा, अब मेरे पास आता है आइटर स्क्वायर माइनस में आ गया तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करो, इतनी तो मैथ्स पढ़ी है अपन ने, इसको क्या करो, दिस विल बिकम I1 अपॉन आइटर रेस टू पावर 9999, राइट। डन। जब पावर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो अगर 1 अपॉन आइटर रेस टू पावर 9999 पॉजिटिव हो गई। अच्छा सर, अब इसको क्या करना है, अब इसको वही करना है, 4 से डिवाइड करो और किसको करोगे, सिर्फ लास्ट की टू डिजिट, दैट इज 99 को। अब अच्छा, अब 99 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, मतलब यार है 1 अपॉन आइटर रेस टू पावर 3। अच्छा सर, अभी कैसे करें, अभी क्या करें, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि बेटा आइटर रेस टू पावर 4 कितना होता है, 1, तो बेटा 1 भी तो आइटर रेस टू पावर 4 होगा, नहीं होगा, होगा होगा, तो यहां पे क्या करेंगे अपन, 1 को रिप्लेस कर देंगे बेटा आयोटा रेस टू पावर 4 अपॉन में आयोटा रेस टू पावर 3, सॉल्व करेंगे तो बचेगा आयोटा। अच्छा सर, इतना गंदा सा क्वेश्चन दिख रहा था कि आयोटा रेस पावर -1999, आपने तो उसको सॉल्व करके आयोटा कर दिया। अरे मैंने नहीं क्या कर दिया, ये होता ही यही है, आप भी यही करोगे अगर थोड़ा सा समझ आ गया तो। समझ आया बेटा, तो आयोटा रेस टू पावर -9999 सॉल्व किया, क्या आया भाई, आयोटा रेस टू पावर 1 ओनली, यानी कि आयोटा आ गया। डन। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है, 1 अपॉन आयोटा रेस पावर 355, ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन है, वहां तो पावर नेगेटिव है तो और नीचे कर रखा है, सो दैट विल बी इक्वल टू बेटा I1 अपॉन आयोटा रेस पावर 355। अब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होना चाहिए, क्या करूं, मैं डायरेक्टली करूंगा 1 को लिख दूंगा आयोटा रेस पावर 4 और आयोटा रेस पावर 355 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या करना है, 55 को डिवाइड करो, 55 को जब आयोटा से डिवाइड करोगे तो बेटा अपने पास क्यूब आएगा, कितना बचेगा, आयोटा रेस पावर 3, एंड दैट विल बी इक्वल टू अगेन आयोटा। That's it. Clear है? अच्छे से देख लो चारों क्वेश्चन, मुझे पक्का पता है कि आपके चारों क्वेश्चन हो गए होंगे, बट स्टिल डाउट है तो आराम से पॉज करो, अच्छे से आंसर सॉल्यूशन देखो, उसके बाद ट्राई करो, हो जाएगा। डन। अच्छा बच्चा, जब ये समझ आ चुका है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आयोटा की प्रॉपर्टी बढ़ते हैं, क्या प्रॉपर्टी, जब भी मेरे पास 4 पावर आ रही है बच्चा कॉन्सिक्यूटिव, जब भी 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर आ रही है आयोटा की, तो उनका जो सम आता है बच्चा, दैट विल बी 0 ओनली, यानी कि दिस is equal to 0 always, क्यों, क्योंकि बच्चा बनेगा ही ऐसा, एक आएगा 1 तो एक आएगा -1, एक आएगा आयटा तो एक आएगा -आयटा, ठीक है, क्योंकि 4-4 की साइकिल चलती है, 4-4 की साइकिल चलेगी तो कॉम्बिनेशन वही बनेगा 1-1 आयटा -आयटा, यानी कि होल सम विल बी इक्वल टू 0 ओनली। तो ये प्रॉपर्टी ना बच्चा याद करो कि जब भी मेरे पास आयटा की 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स है, सबका सम करना है तो आंसर विल बी 0, और इस प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ क्वेश्चन आसान बनाते हैं। अब मेरे पास ना ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है कि भाई ये सॉल्व करो, आयटा की पावर शुरू हो रही है 101 से और जा रही कहां तक, 202 तक, सर सॉल्व करो। अच्छा बेटा, अब देखो मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो मेरे को दिख रहा है, चल रहा है आयटा रेस टू पावर 101 प्लस आयोटा रेस टू पावर 102, और ये कब तक चलेगा, 102, और ये कब तक चलेगा बेटा, आयटा रेस टू पावर 104 पे मैंने इसको रोका, ठीक है, प्लस आयोटा रेस टू पावर 105 और ये चलेगा आयटा रेस टू पावर 108 पे मैंने इसको रोका, प्लस आयोटा रेस टू पावर 109 और ये चलेगा अपने पास आयोटा रेस पावर 112 और फिर रुको, ये चलता रहेगा। मतलब मैंने क्या देखा कि सर अपन ना चाहे तो ऐसे ऐसे ना 4-4 के पेयर्स बना लेते हैं, अगर 4-4 के पेयर्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनका सम ना 0 होता जाएगा, तो रादर देन कि मैं पूरा करूं, मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूंगा, मैंने ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। ऊपर क्या प्रॉपर्टी पड़ी कि अगर 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स है तो उनका सम हो जाता है बेटा 0 होगा। अब यहां देखो 1 से लेकर 4 तक ये हो गया 0,
5 से लेकर 8 तक योगा 0, 9 से लेकर 12 तक 0। अच्छा भाई जितने 4-4 के पेयर्स बनेंगे क्या सब 0 देंगे? हाँ भाई सब 0 देंगे। तो कितने पेयर्स बनेंगे अब आप ध्यान से देखोगे तो 101 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा बेटा 200 तक। तो 200 तक मेरे पास टोटल 4-4 के पेयर्स आ जाएंगे, 4-4 के ग्रुप्स आ जाएंगे, सारे ग्रुप से मेरे पास आया 0 और लास्ट में मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बच रहा है आयटा रेस्ट पर 201 प्लस आयटा रेस्ट पर 202। मतलब क्या हुआ यहां से 200 तक का था जो आयटा रेस्ट पर 200 था वो तो सब तो 0 दे गया, बचा क्या? बस ये दो नंबर्स। और इनको सॉल्व करना बहुत इजीली कर लेंगे, सारे सॉल्व कर लिया अपन ने। इनको जो बच्चा सॉल्व करेंगे तो आयटा रेस्ट पर 201 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड क्या रिमाइंडर आया 1 दैट विल बी आयटा रेस टू पावर 1 दैट इज आयोटा प्लस, अच्छा बच्चा इसको सॉल्व करेंगे आयटा पर 202 दैट विल बी इक्वल टू आयटा रेस टू पावर 2 व्हिच इज इक्वल टू -1। तो आंसर आ रहा है आयोटा -1, दैट्स इट, सिंपल सा आंसर। समझ आया? प्रॉपर्टी क्या यूज करी, जैसे ही 4 पावर्स आती है कंसेक्यूटिव उनका सम बन जाता है बच्चा 0, डन। वही चीज अपन ने यहां पे अप्लाई करा, 4-4 के जितने ग्रुप्स बनाए सारे बनाए, जो बच गए एक्स्ट्रा उनकी वैल्यू फाइंड करी और आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा भाई इसी बेसिस पे सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा आईटेस पर 2 आईटेस पर 4 6 टिल कहां तक जा रहा है? 102 तक जा रहा है। अच्छा सर ये तो आपने चीटिंग कर ली, आपने तो कहा था कि भाई सारी कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आने चाहिए, यहां तो सारी इवन पावर्स है, क्यों? यहां तो ऐसा नहीं है 3-4, ये क्या चल रहा है? पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, इवन पावर्स चल रही है सर, कैसे सॉल्व करोगे? अरे भाई ये नहीं बताया लेकिन आइडेंटिटी तो बताई, ये तो बताया कि आयटा वर्क कैसे करता है। चलो स्टार्ट करते हैं, कितना होगा सबने पढ़ा, कितना पढ़ा -1 पढ़ा, कितना होगा सबने पढ़ा, कितना पढ़ा 1 होगा, फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1। अरे सर ये तो ये क्या बन रहा है, तो सिंपल सा पैटर्न बन रहा है जहां पे वैल्यू आ रही है -1 +1 -1 +1 -, मतलब क्या हो रहा है जैसे मैं दो वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूं मुझे मिल जा रहा 0, जैसे मैं -1 +1 कर रहा हूं मुझे मिल रहा 0, फिर -1 +1 मिल रहा 0, यानी कि आपकी बार जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में चार चार वैल्यूज ने मिलकर मुझे 0 दिया था, नीचे वाले क्वेश्चन में दो दो वैल्यू मिलकर मेरे को 0 दे रही है, यही हुआ। तो दो दो वैल्यू 0 दे रही है तो मैं देखूंगा टोटल कितने नंबर्स है, वो 2 से लेकर 102 तक एक ही में अपने पढ़ेंगे और वैसे बहुत इजी है, होगा कितना 51 पेयर्स बन रहे हैं, 51 टोटल नंबर्स हैं जिसमें से 50 से 25 पेयर्स बचेंगे और लास्ट वाला नंबर बचेगा अपने पास सिर्फ आयटा रेस्ट पर 102। और ये कितना होता है, ये बच्चा हो जाता है मेरे पास 0+0+0 चलता रहेगा और लास्ट में बचेगा आयटा रेस्ट पर 102 एंड दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, जो कितना होता है, जो होता है सर, जो कितना होता है, जो होता है सर -1। समझ आया? मतलब इस पूरे का आंसर सर -1 है। हाँ भाई यही है, करना ही क्या था क्वेश्चन में, चेक किया -1 +1 -1 +1 तो मेरे को दिख रहा है दो दो के पेयर बना के 0 दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, तो देख लो भाई लास्ट में कौन बच रहा है अकेला, लास्ट में बच रहा है कौन, आइटम्स पर 102। आइटम्स पर 102 को कैसे सॉल्व करते हैं? सर ये तो बहुत पहले आप पढ़ा चुके हो, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, करना क्या है 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर पुट करना है, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर पुट किया तो आए 2, आइटम्स का कितना था -1, सर क्वेश्चन सॉल्व। हाँ भाई क्वेश्चन सॉल्व, समझ आया, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अब ना इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अगेन आयटा रिलेटेड ही, अभी आयटा जैसे इतना किया तो मान लेंगे भाई आयटा का ना सर कोई क्वेश्चन तो अपन निपटा लेंगे। चलो बच्चा निपटाते हैं, है ना। तो अगर आयटा रेस्ट पर 17 क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करेंगे, ध्यान से समझना, आयटा रेस्ट पर 17 क्या करना है, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना बचा 1, तो बचा आयोटा, हाँ जी सर, प्लस 1 को क्या करोगे आयटा रेस्ट पर 4, हाँ जी सर, अपॉन में 315 क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर पुट करेंगे, 315 को जब 4 से डिवाइड किया तो बचा आयटा रेस्ट टू पावर 3, हाँ जी सर, और रेस्ट टू पावर 13, कैसे बच रहा है, बिल्कुल ऐसे बच रहा है। चलो भाई आगे सॉल्व करें, इधर से बच जाएगा आयोटा, इधर से बचेगा आयटा रेस्ट पावर 4 अपॉन आयटा रेस्ट पावर 3 करेंगे तो 4 से 3 कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, आयोटा बचेगा और इधर से बचेगा अपने पास रेस्ट टू पावर 13, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 2 आयोटा रेस्ट टू पावर 13, 2 आयटा रेस्ट पावर 13 करेंगे तो बेटा आएगा 2 रेस्ट टू पावर 13 इनटू आयोटा रेस्ट टू पावर 13, हां जी 2 रेस्ट टू पावर 13 को एज इट इज छोड़ो और आयटा रेस्ट पावर 13 कितना होता है, आयटा रेस्ट पावर 13 हो जाता है बच्चा अपने पास आयोटा रेस्ट टू पावर कितना, जब 4 से डिवाइड करोगे तो बचेगा अपने पास ओनली आयोटा, दैट इज दिस इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर 13 आयोटा, हां जी बस यही आंसर है, एकदम आसान। समझ आया? ठीक है, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो अप्लाई करी, जैसे अप्लाई करी आंसर तुरंत आया, ठीक। अच्छा सर तो ये सॉल्व करके बताओ, अरे ये तो और भी आसान है, करना ही क्या है, आयटा प्लस 1 आयटा माइनस 1 प्लस आयटा 1 माइनस आयटा स्क्वायर और ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है, क्या करें फैक्टर बाय फैक्टर एक एक फैक्टर को सॉल्व करते जाओ और जो आंसर आएगा बस उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करो। अच्छा ये क्या हो जाएगा 1
प्लस आयोटा एज इट इज. क्यों? क्योंकि आयोटा को क्या चेंज करूंगा, आयोटा तो ऑलरेडी सॉल्व है. अच्छा सर, तो क्या मैं आयोटा स्क्वायर को सॉल्व कर दूं? बिल्कुल करो. क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा? माइनस वन. वन माइनस माइनस वन कितना हो जाएगा? वन माइनस माइनस वन कितना हो जाएगा? वन प्लस वन, विच इज इक्वल टू टू ओनली. अच्छा जी, इसको सॉल्व करो. आयोटा रेस्ट पावर फोर कितना होता है? वन. वन प्लस वन, टू ओनली. तो यहां से भी अपने पास टू आ गया. अच्छा, अब बचा क्या? वन प्लस आयोटा रेस्ट पावर फाइव. वन माइनस आयोटा रेस्ट पावर फाइव. अच्छा, आयोटा रेस्ट पावर फाइव कितना होता है? आयोटा रेस्ट पावर फाइव कितना होता है? आयोटा. तो बचा वन माइनस आयोटा, तो वन माइनस आयोटा. अच्छा सर, अब थोड़ा थोड़ा शायद सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखेगा. कैसे? जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 4 एज इट इज. अच्छा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा. अरे सर, ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है. कौन सी प्रॉपर्टी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अच्छा, ए कितना है सर? ए तो है 1, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर. सर, आयोटा स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस 1 होता है. हाँ, तो कर दो. आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज प्लस 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2. तो अपने पास आंसर आ रहा है 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8. फाइनल आंसर. एकदम आसान, कुछ करना नहीं था. ठीक है, मजा आ रहा पढ़ने में? ध्यान से पढ़ोगे तो बच्चा मजा आएगा. फर्स्ट लेक्चर है, धीरे धीरे कनेक्ट बनाओ. धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि सर ये तो पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका है. यहाँ तो मैथ्स मजा दे रही है. भाई मैथ्स में तो कभी मजा ही नहीं आता था, मैथ्स से तो भागना पड़ता था. यहाँ तो मैथ्स में मजा आ रहा है. चलो बढ़िया. तो अपने पास क्या आ रहा है? यहां से अपने पास दो क्वेश्चन करे, दोनों का आंसर आ गया बिल्कुल आसानी से. ये आया 8, फाइनल आंसर. चलो बच्चा, जैसे ही आया अब बढ़ते हैं आगे. कि एक्चुअल में सर कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था अपने चैप्टर का नाम, तो आयटा आयटा पढ़ा रहे हो. अब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है बच्चा? रियल पढ़ चुके हैं, आयोटा पढ़ लिया यानी कि इमेजिनरी पढ़ लिया. अब मैं बात करता हूं कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा? इन पूरे का एक ग्रुप, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी. तो आपने देखा हो तो सर यहां पर लिख रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको ऐसा कुछ लिखते हैं. हाँ जी, ऐसा ही कुछ लिखते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चा? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन करते हैं. ठीक है, अब यहां पे जो a है, यहां पे a और b दोनों रियल पार्ट्स, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं. अब a क्या है यहां पे बच्चा? जो a है दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z. यानी z क्या कर रहा है? z सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैं चाहूं तो कुछ और कर दूं, मैंने z किया. ठीक, सारी बुक्स में z ही मिलेगा. तो a इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z. और बच्चा b क्या है? b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ सर? अगर मैं z को लिखूंगा इस तरह से, कोई भी, अब a और b कोई रियल नंबर है, मैंने लिखा भाई 3 प्लस 4 आयोटा, तो यहां पे a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 3, और b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा 4. मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट है बेटा 4. ठीक है, अच्छा अगर मैं इस दूसरे नंबर को लिखता हूं z1, में लिखा z, लिखा मैंने 3 माइनस 7 आयोटा. अच्छा सर, यहां पे रियल पार्ट कितना है? यहां रियल पार्ट है बेटा 3 और इमेजिनरी पार्ट है बेटा माइनस 7. ठीक है, एकदम सिंपल. तो हो क्या रहा है? आयोटा जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, और जो होल में बच रहा है अपने पास दैट इज रियल पार्ट. तो ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट. अच्छा सर, ऐसा कर दूं मैं अगर कि इस बी को, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दूं, कैसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो. अगर मैं इसे जीरो कर दूंगा तो मेरे पास जेड टू क्या बचा? लेट सपोज मैंने इसको 3, मैंने बोला कि भाई बी जो है वो जीरो है, बी जीरो है, तो अपने पास बच जाएगा सिर्फ 3. अब सिर्फ 3 बच रहा है, सिर्फ 5 बचा, सिर्फ 7 बचा. सर ये तो रियल नंबर है, आपने तो कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी होते. नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन. तो यहां से समझ आ रहा है कि रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है. इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज होल सोल. यानी कि पहले मैंने पढ़ा नेचुरल, नेचुरल से बना मेरे पास होल, होल से मेरे पास बना इंटीजर्स, इंटीजर से अपने पास बना रियल, जिसके अंदर अपने पास रैशनल भी आ गया, इरेशनल भी आ गया. और जब इन सबके ऊपर की मैं बात करूं तो बेटा तब बन रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर. यानी कि रियल पार्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सब पार्ट है, सबसेट है. रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट है. जब ऐसे नंबर्स आते हैं तो बच्चा उनको अपन बोलते हैं प्योरली रियल नंबर. प्योरली रियल का मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है a प्लस बी आयोटा, बुक्स में इसको x प्लस आयोटा वाई भी बोलते हैं, a की बात है, वेरिएबल से कुछ भी बोलो. ठीक है, z प्लस कुछ और बोल दो जो अच्छे लगे, c प्लस डी आयोटा बोल दो जो अच्छा लगे. तो a प्लस बी आयोटा है. मैं बोलूं सर अगर मैं b को कर देता हूं जीरो, इफ b इज इक्वल टू जीरो, देन z क्या बन जाएगा? z तो बनेगा सिर्फ a, और सिर्फ a बनना मतलब इमेजिनरी है ही नहीं, और सिर्फ इमेजिनरी, सिर्फ रियल है मतलब इमेजिनरी है ही नहीं. तो इस नंबर को क्या बोलेंगे? इस नंबर को बेटा बोलेंगे प्योरली रियल नंबर. तो ये अपने पास हो गया प्योरली रियल नंबर. ठीक है, एग्जाम्पल जो रियल नंबर उठाओ उठा लो. एग्जाम्पल मैं बात करूं 7 माइनस 11 माइनस 7 अपॉन 11 माइनस 30 31
अपॉन 29, ये सब क्या नंबर्स है? सब प्योरली रियल नंबर्स है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं सर इसमें, ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं रियल को ही जीरो कर दू तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा बेटा प्योरली इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि उसमें रियल पार्ट नहीं है। यानी कि मैंने कहा कि Z मेरे पास एक नंबर है A प्लस B आयोटा। मैंने कहा सर A को मैं कर देता हूं जीरो। अच्छा बेटा कर दे, अगर A को जीरो कर दोगे तो Z क्या बचेगा? Z बचेगा B आयोटा। और जैसे Z B आयोटा बच रहा है, मतलब सर ये तो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि रियल पार्ट है ही नहीं। हाँ भाई, यही प्योरली इमेजिनरी नंबर है। एग्जाम्पल ले लो जो अच्छा लगे। एग्जाम्पल ये मैंने सिर्फ आयोटा, हाँ भाई प्योरली इमेजिनरी है। माइनस सेवन आयोटा बिल्कुल है, इलेवन आयोटा बिल्कुल है, 2/9 आयोटा ये भी है। समझ आया? तो यानी कि जब मेरे पास रियल पार्ट जीरो है दैट इज प्योरली इमेजिनरी, जब इमेजिनरी पार्ट जीरो है दैट इज प्योरली रियल। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी के साथ हमेशा आयोटा आएगा। क्लियर? बढ़िया। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक अपने को समझ आ गया, तो अब अपन बात करते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। जैसे मेरे पास कोई रियल कोऑर्डिनेट्स है 2, 3 है, तो मैं तो उसको रियल एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैं उसको कहां रिप्रेजेंट करता हूं? मैं उसको कार्टेशियन प्लेन पे या रेक्टेंगुलर प्लेन पे रिप्रेजेंट करता हूं। सर कॉम्प्लेक्स नंबर को कहां रिप्रेजेंट करके दिखाओगे? बच्चा जब कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना है तो उसका भी एक एड्रेस होगा, है ना, और वो यूनिक होगा, है ना। और वो यूनिक एड्रेस कहां रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? वो रिप्रेजेंट करते हैं आर्गेंट प्लेन पे। कहां रिप्रेजेंट करते हैं? आर्गेंट प्लेन पे। तो जैसे कि अपने पढ़ा कि रियल नंबर्स के लिए, जैसा कि अपने पढ़ा कि रियल नंबर्स के लिए अपन यूज करते हैं बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट या रेक्टेंगुलर, सॉरी कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर प्लेन, इसी तरीके से इमेजिनरी नंबर के लिए यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए अपन यूज करते हैं बेटा आर्गन डायग्राम, यानी कि आर्गन प्लेन। अब कैसे करते हैं? बहुत सिंपल। यहां पर क्या होगा, जो बच्चे अपने पास एक्स एक्सिस था वो बन जाएगा रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस था वो बन जाएगा इमेजिनरी एक्सिस। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई एक नंबर जेड है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस y iota, तो यहाँ पे x क्या है? x रियल एक्सिस और y क्या है? इमेजिनरी एक्सिस। मतलब सिंपल सा, अगर मैंने z ही रिप्रेजेंट करना है तो मैंने क्या करूंगा, मैं रियल एक्सिस पे x देखूंगा। मैंने माना भाई यहां पर ना सर x आ रहा है, यहां पर x आ रहा है, और क्या देखा मैंने, अब इमेजिनरी पार्ट है तो कौन सा है? y है, तो इमेजिनरी एक्सिस पे y देखो। इमेजिनरी एक्सिस में मैंने बोला सर ये पे y है, यहां पे y, तो ये y देख लो। और जैसे x, y, x and y का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, दैट विल बी z, z, और जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है x plus y iota का। मतलब अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x plus iota y की फॉर्म में, यहाँ पे x और y की कोई भी वैल्यू आ सकती है, अगर मैंने उसे जो रिप्रेजेंट करना है आर्गन डायग्राम पे, आर्गन प्लेन पे, तो क्या करो, जो उसका रियल पार्ट है उसको रियल एक्सिस पे प्लॉट करो, जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट करो, और दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को रिप्रेजेंट करना है। सर 2-3 करके दिखाओ, अभी दिखाता हूं। एग्जाम्पल, मैंने कहा सर मेरे को पुट करो 2+3 आयोटा। अच्छा तो x कितना है यहाँ पे, यानी कि रियल एक्सिस कितना है इसका 2, तो रियल एक्सिस पुट करो। मैंने बोला ये 1 है ये 2 है, बिल्कुल है। अच्छा y इमेजिनरी एक्सिस कितना चाहिए मेरे को, इमेजिनरी पार्ट बेटा 3, इमेजिनरी पार्ट 3 चाहिए, तो मैंने माना 1 है ये 2 है ये 3 है, मतलब सर इनका और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हाँ भाई इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट विल बी, इस नंबर को मैं नेम देता हूं लेट सपोज दिस इज z1, तो ये अपने पास हो जाएगा z1। अच्छा सर अगर नेगेटिव हो तो क्या करोगे, जैसे नेगेटिव नंबर्स को अपन रिप्रेजेंट, नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। एक और एग्जांपल ले लो, उसमें क्या है, मैंने बोला सर एक एग्जांपल है z2 जिसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, जिसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि जिसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, जिसकी वैल्यू है बेटा -2+4 आयोटा। अच्छा तो इसका एक्स कितना बेटा, एक्स है -2, तो हो गया -1 -2। x मतलब क्या हुआ यहाँ पे, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस नेगेटिव है, -2 है, तो -1 -2। अच्छा बच्चा ये तो आ गया अपने पास -2। अब पॉइंट इज कि y एक्सिस कितना है, y एक्सिस अपने पास यानी कि रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कितना है 4, तो यहां तक 3 था तो यहां पर 4 होगा, तो ये अपने पास आ गया 4 एंड दैट इज इक्वल टू z2। तो मेरे पास कोई भी नंबर हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कैन आई रिप्रेजेंट इट इजिली, वेरी इजिली, सिंपल, रियल नंबर रियल एक्सिस पे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी एक्सिस पे, दोनों को पुट किया इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने को रिप्रेजेंट करना है आर्गन प्लेन पर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बढ़िया बच्चा, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। जब मैंने रिप्रेजेंट कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर समझा, समझ आ गया, अब मैंने उसको रिप्रेजेंट करना समझा। सर उसके बीच में ऑपरेशन कैसे करोगे, क्या ऑपरेशन होंगे, जैसे एडिशन होता है वैसे मल्टीप्लीकेशन डिविजन सब्ट्रैक्शन, यही तो चार ऑपरेशन करने, बेसिक ऑपरेशन करके दिखाओ सर। बड़ी अब मेरे पास यह है कि एडिशन करना है,
जब भी बच्चा दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में एडिशन करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैंने बोल दिया लेट सपोज दिस इज जेड वन, ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने इसको बोल दिया जेड टू, सर जेड वन प्लस जेड टू करना है, या प्लस है तो मतलब प्लस जेड टू करना है। तो जब भी बच्चा, ध्यान रखना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना है, क्या करना है, सिंपल, पहले वाले के रियल पार्ट को दूसरे वाले के रियल पार्ट से ऐड कर दो और पहले वाले के इमेजिनरी को दूसरे पार्ट के इमेजिनरी से ऐड कर दो। अच्छा, ऐसा करेंगे तो क्या आएगा बेटा, अपने पास आएगा a प्लस सी, रियल प्लस रियल, एडिशन में रियल प्लस लियर रियल प्लस, दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, आयोटा, तो बच जाएगा अपने पास आयोटा b प्लस डी। अच्छा सर, इतना इजी होता है? हाँ भाई, इतना इजी है। जब भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, दस कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे उनका एडिशन करना है तो क्या करो, सबके रियल पार्ट को ऐड कर दो प्लस आयोटा सबके कॉम्प्लेक्स पार्ट को, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो, बस इतना सा करना होता है। अच्छा सर, देखो तो जो रिजल्ट दिख रहा है ना, वो भी तो ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म में ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ भाई, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एडिशन करोगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, पुराने वाले दोनों नंबर्स के रियल पार्ट का सम, उसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, दोनों नंबर्स के इमेजिनरी पार्ट का सम, बस इतना सा होता है एडिशन, डन। अच्छा बच्चा, एडिशन हो गया, तो अब सर मैं सब्ट्रैक्शन सिखाऊं। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सेम अप्रोच अपने को सब्ट्रैक्शन पे लगा देने, क्या करना है, अब रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करो, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करो, तो a में से रियल में से इसके रियल में से इसका रियल, यानी कि z1 के रियल में से z2 का रियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चा हो जाएगा a माइनस सी, तो अपने पास आ रहा है a माइनस सी, बढ़िया। अच्छा सर, इमेजिनरी में क्या करोगे, सेम अप्रोच बेटा इमेजिनरी में लगाओ, इमेजिनरी में से सेकंड के इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आयोटा तो लिया मैंने कॉमन, प्लस आयोटा तो आ गया कॉमन, और बच्चा बी माइनस डी, बस इतना सा, ठीक है। जैसे एडिशन के लिए ऐड किया था, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करो, अब प्रॉपर मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा सर, मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, पहले एक बार नॉर्मल बता रहा हूं, फिर एक स्टेप स्किप करना सिखाऊंगा। क्या करना है, सिंपल, ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो बचा ए सी, ए को बी आईटा से मल्टीप्लाई किया तो बचा अपने पास ए डी, सॉरी डी आईटा, तो ए डी आईटा, ठीक। अब बी आईटा को सी से मल्टीप्लाई कर दो, बी आईटा को सी से मल्टीप्लाई, तो बी सी आयोटा। अच्छा, अब बी आयोटा को डी आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा प्लस में बी डी आयोटा स्क्वायर, ठीक ठीक। सर, दोनों का प्रोडक्ट भी तो कॉम्प्लेक्स आएगा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स आएगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स आएगा तो उसका आयोटा स्क्वायर क्यों है, नहीं है, इसको हटा दो, इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे बच्चा, दिस विल बिकम ए सी, और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस वन, हो जाएगा माइनस ऑफ बी डी, डन। अच्छा, प्लस इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले, आयोटा, तो बच्चा के मेरे पास ए डी प्लस बी सी, ये अपने पास आ गया दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, जेड वन एंड जेड टू का, हमेशा ये, ठीक है। अच्छा, तो सर आप कह रहे थे कि स्टेप स्किप करके सिखाओगे, सिखाओ बच्चा, जब भी दो नंबर्स का अपने को करना है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि करना है प्रोडक्ट, आप क्या करेंगे, आपने किया रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी प्लस आयोटा रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल, बस इतना सा, ठीक है। एक स्टेप स्किप करोगे, क्या किया आपने, वापस से रियल इंटू रियल ए सी माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी डी डी, डन, प्लस आयोटा रियल इंटू इमेजिनरी, तो अपने पास आया ए इंटू डी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल दैट इज बी सी, बस इतना, समझ आया, ये अपने पास होगा बेटा मल्टीप्लीकेशन। अब एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लीकेशन, अब बात कर लेते डिवीजन की। डिवीजन में क्या करना है, डिवीजन में भी तो शायद मल्टीप्लीकेशन जैसा ही कुछ होगा, थोड़ा थोड़ा वैसा ही होगा। ये अपने पास है बेटा ए प्लस बी आयोटा अपॉन में बेटा सी प्लस डी आयोटा, डन। अच्छा, यही तो है डिवीजन का मतलब, अपॉन में तो करना है, लेकिन बच्चा एक बात ना एकदम ध्यान से बैठा लो दिमाग में बैठा लो कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में आना ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में जो आयोटा है तो बेटा हटा दो। अब हटाएंगे कैसे, जैसे इरेशनल नंबर को ही हटाते हैं अपॉन में से, अपॉन में रूट थ्री लगता है, हटाओ सर कैसे हटाओ, रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कई चीज यहां कर दो, हटाओ सर कैसे हटाए, आप ना इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो इट विल बिकम सी माइनस डी आयोटा अपॉन में भी सी माइनस डी आयोटा। क्या मेरी बात समझ आई, बिल्कुल समझ आई। क्या करना है, डिनोमिनेटर से आयोटा को हटाना है, डिनोमिनेटर से आयोटा को कैसे हटाओगे, उसको रेशनलाइज करके, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आ गया कुछ इस फॉर्म में नंबर। अच्छा सर, सॉल्व करके दिखाओ, बिल्कुल दिखाते हैं बच्चे बेटा, ओ ए प्लस बी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में सर आइडेंटिटी जैसा कुछ दिख रहा है, कौन सी आइडेंटिटी, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा दो, ये बन जाएगा बेटा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आया नहीं आया, आया, बढ़िया बढ़िया सर। अब
आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ऊपर तो मल्टीप्लीकेशन करना है, जो सीख चुके हैं चलो उसको अप्लाई भी कर देते हैं कि सर आप बोल रहे थे ना एक्स्ट्रा पर स्किप करके सिखाओगे, यहां पे एक बार ट्राई भी कर दो। तो रियल इनटू रियल एसी माइनस इमेजिनरी टू इमेजिनरी, बेटा इमेजिनरी टू इमेजिनरी करोगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस बीडी, तो माइनस ऑफ बीडी, माइनस ऑफ माइनस बीडी प्लस बीडी प्लस आयोटा। अब रियल इनटू इमेजिनरी तो ए इनटू डी, तो माइनस में है तो अपने पास आ जाएगा माइनस एडी, इमेजिनरी इनटू रियल तो बी इनटू सी तो प्लस बी सी। अपॉन में क्या आएगा सर, अपॉन में आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू आईटा स्क्वायर, और आईटा स्क्वायर क्या देता है माइनस वन, और माइनस वन इंटू डी स्क्वायर विल बी प्लस डी स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम, ठीक है। तो क्या किया डिवीजन में भी, क्या किया डिवीजन में, सिर्फ इतना याद रखा कि रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के लिए क्या करना है, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जैसे ही ऐसा करेंगे बेटा, जैसे ही ऐसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डन, क्योंकि नीचे से आयटा हट गया, आयटा ही तो हटाना है, यही तो काम था, ठीक है। तो बेटा ये अपने चार मेजर ऑपरेशंस की बात करें, अगर मेरे पास दो तीन पांच जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स उनका ऑपरेशन करना है, एडिशन का, मल्टीप्लीकेशन का, डिविजन का, सब्ट्रैक्शन का, कर दिया। अब आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से चारों सॉल्व कर लेते हैं, पता चल जाएगा सर कितना समझ आया हमको, बहुत आसान और जल्दी जल्दी करेंगे। क्या चाहिए मेरे को, डी वन दे रखा है अपने को, यानी जेड वन दे रखा है अपने को, जेड टू दे रखा है, फाइंड करना है जेड वन प्लस जेड टू। सर जेड वन जेड टू क्या करना था, रियल प्लस रियल, इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी, तो फोर प्लस टू सिक्स, प्लस इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी करेंगे तो सर जीरो आइट आ रहा है, ये क्या नंबर बना, ये तो बन गया सिक्स, और सिक्स कौन सा नंबर है, सिक्स है प्योरली रियल नंबर, बढ़िया, डन। सब्ट्रैक्शन करके दिखाओ सर, रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करो, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करो। अब रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 माइनस 4 कितना होगा बेटा, माइनस 2। अच्छा इमेजिनरी में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आयटा में से माइनस 3 आयटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा इट विल बिकम प्लस 6 आयटा। सर ये तो बहुत ही आसान है, हाँ भाई इतना ही आसान है, यही है, ठीक है। अच्छा सर मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तब मजा आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चा मल्टीप्लीकेशन में क्या सीखते हैं, जो डायरेक्ट वाला स्टेप देखा था अपन ने, रियल इंटू रियल, रियल इंटू रियल, तो मतलब रियल इंटू रियल, तो 2 इंटू 4 That is 8 plus minus imaginary to imaginary. तो minus imaginary to imaginary करेंगे तो 3 into 3, 3 into -3, -9, minus of -9 इसका मतलब +9 plus iota real into imaginary. तो 2 into -6, 2 into -3 that is -6 and imaginary into real तो बेटा 3 into 4 that will be equal to +12. एकदम इजी बच्चा, करना क्या था, 8 + 9 कितने होते हैं 17 प्लस माइनस 6 प्लस 12 दैट इज 6 और आयोटा तो है नहीं है तो ये आ गया अपने पास अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2 जो अपने को z1 गिवन है और जो अपने को z2 गिवन है यहां से अपने पास फाइंड किया z1 into z2। लास्ट बच्चा डिवीजन, डिवीजन का याद ही अपने को करना क्या होता है, पहले तो लिख लेता हूं मैं 2 + 3 आयोटा, सर इसको डिवाइड कर दो z2 से, दैट इज 4 - 3 आयोटा। जब भी डिवाइड करना है क्या करना है, अपॉन में से आयोटा हटाना है, हटाओगे कैसे, रैशनलाइज करके करो रैशनलाइज, 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा, यही सिखाया, हाँ सर यही सिखाया, चलो करो अप्लाई। बच्चा ऊपर कितना आएगा, ऊपर अपने पास अगेन मल्टीप्लीकेशन जो करे, अच्छा सर ये तो मल्टीप्लीकेशन की वापस प्रैक्टिस तो करा ही दो, चलो कर लेते हैं। रियल इंटू रियल 2 into 4 8 माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी 3 into 3 9 प्लस आयोटा रियल इंटू इमेजिनरी, रियल इंटू इमेजिनरी 2 into 3 दैट इज 6 प्लस इमेजिनरी इंटू रियल दैट इज 12 अपॉन में, सर अपॉन में तो क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और आयोटा स्क्वायर उसको क्या कर देगा, बी स्क्वायर कर देगा, प्लस बी स्क्वायर कर देगा। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं इसको भी स्किप करके, 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 3 स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर तो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। सर सॉल्व करो, 8 - 9 - 1 प्लस 6 + 12 = 18 तो प्लस 18 आयोटा अपॉन में बेटा 16 माइनस आयटा माइनस 9 आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर कितना होगा बेटा -1, -1 इंटू 9 कितना, -9 कितना हो जाएगा +9। तो यानी कि मेरे को समझ आ गया एक चीज और कि अपॉन में जब भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा आयटा के फॉर्म में रहेगा, यानी कि a प्लस बी आयटा इंटू ए माइनस बी आयटा, आप इसको क्या कर दोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ताकि ये वाला स्टेप आप बचा के, स्टेप बचा के सीधे यहां पे आ जाओ, आ जाएंगे। तो बच्चा दिस इज इक्वल टू -1 + 18 आयोटा होल अपॉन में 25।
सर ये डिवीजन था, बिल्कुल ही डिवीजन था, ठीक है। तो एडिशन आया, सब्ट्रैक्शन आया, मल्टीप्लिकेशन आया, डिवीजन आया, कब, जब मेरे को दो नंबर गिवन है और दोनों का मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इजीली कर दिया, बढ़िया। चलो बच्चा अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी भी होती है, बिल्कुल होती है, जैसे रियल नंबर्स में होती है वैसे इक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी होती है। अब होती कैसे बच्चा समझना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, लेट सपोज मैं कह रहा हूं एक है ए प्लस बी आयोटा, दिस इज जेड वन, है ना। अच्छा दूसरा मेरे को दे रखा है जेड टू जो कि इक्वल दे रखा है, जेड टू कितना दे रखा है बेटा, जेड टू दे रखा है सी प्लस डी आयोटा, ठीक है। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी आ रही है, मतलब जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ रहा है, सिर्फ एक केस में आएंगे, कब, जब फर्स्ट वाले का रियल पार्ट सेकंड वाले के रियल पार्ट के इक्वल हो और फर्स्ट वाले का इमेजिनरी सेकंड वाले के इमेजिनरी के इक्वल हो, दैट इज दिस कंडीशन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। समझ आया? तो इक्वालिटी क्या बोलती है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, कब होंगे, जब फर्स्ट वाले का रियल पार्ट सेकंड वाले के रियल पार्ट के इक्वल और फर्स्ट वाले का इमेजिनरी पार्ट सेकंड वाले के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, अदरवाइज नहीं होगा। समझ आ गया, ये एकदम सिंपल। अच्छा इसी के साथ बच्चा एक चीज और नोट कर लो, एक चीज और नोट कर लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इन इक्वालिटी फॉलो नहीं करती है, ठीक है। कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर में, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर कोई भी दो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बच्चा उनमें इन इक्वालिटी फॉलो नहीं करती। एग्जाम्पल समझना, मेरे पास एक नंबर है बड़ा सारा 100 प्लस 20 आयोटा, राइट। अच्छा एक दूसरा नंबर है मेरे पास कुछ 20 प्लस 3 आयोटा, सर ये तो दिख रहा है क्लियर क्लियर कि नंबर बड़ा होगा, होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन इक्वालिटी फॉलो करती ही नहीं है, इन इक्वालिटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन रियल है, ठीक है। रियल में तो करेगा, अगर मैं इसका 20 पार्ट और 3 हटा दूं तो 100 ग्रेटर देन 20 पता है क्योंकि रियल है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन रियल है वहां पे इनइक्वालिटी फॉलो एग्जिस्ट नहीं करती, वहां पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, एकदम क्लियर। नोट बनाकर लिख लेना, इंपॉर्टेंट नोट, डन। चलो जब इक्वालिटी पढ़ ली है तो क्यों ना उसका एक क्वेश्चन ही कर लिया जाए, आयटा भी रिवाइज हो जाएगा, इक्वालिटी भी रिवाइज हो जाएगी। चलो सर करते हैं, बढ़िया। अब एक दिमाग में आ रहा है कि सर क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व करना है, क्या करें, एक काम करते हैं, दोनों का ना एलसीएम ले लेते हैं, जैसे एलसीएम लेंगे कुछ ना कुछ कटेगा, कैंसिल होगा, ऊपर क्यूब कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बच्चा ऐसे करके आप बना दो क्वेश्चन को और डिफिकल्ट और लेंदी, करना ही नहीं है। कैसे करोगे आप, इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे पहले इजी तरीके से। आपने इसको लिखा सर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और इस पूरे का मैं कर देता हूं क्यूब और सेम ऑपरेशन मैं यहां पे कर देता हूं, तो दैट विल आल्सो बिकम 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा और पूरे का कर दिया क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। वो अभी छोड़ते हैं, अभी बस ये करते हैं, ठीक। अच्छा सर अब थोड़ा सा इजी लग रहा है, अभी कैसे सॉल्व करें, अभी भाई दोनों को रैशनलाइज कर दो ना, रैशनलाइज करते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रैशनलाइज करना है तो 1 प्लस आयोटा, क्यों, क्योंकि अपन आयोटा रखना ही नहीं है, पढ़ चुके हैं, डिवीजन है, जब भी अपन आयोटा है हटा दो, हटाएंगे कैसे, रैशनलाइज करके, तो करो तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इनटू में क्या बेटा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और पूरे का कर देंगे क्यूब, राइट, बढ़िया। सेम चीज कर दो इधर, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इनटू कर दो बेटा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा पूरे का कर दिया क्यूब, अपॉन में था 1 माइनस आयोटा, अच्छा इसको करो प्लस, भाई गलती नहीं, गलती नहीं, तो अपॉन में था 1 माइनस आयोटा तो क्या 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, यहां पे था 1 प्लस आयोटा तो क्या 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब ना सर इसको सॉल्व कर दो, करते हैं बेटा सॉल्व। जैसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आ रहा है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा मतलब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा दैट इज 2 आयोटा और अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सर आपने बताया था जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो आयटा के फॉर्म में तो आप उसको कर दोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कर दो a स्क्वायर इज 1 b स्क्वायर इज 1 पूरे का क्यूब माइनस, अब इधर आ जाओ इधर भी सेम 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 इंटू आयोटा और अपॉन में सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पहले वाला ही तो है, क्या है 1 प्लस 1 पूरे का कर दो सर क्यूब, कर दे, कर दिया बच्चा। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ेंगे तो ऊपर देखो 1 से 1 कैंसिल, बचा 2 आयोटा, अपॉन में क्या है 2, तो अपने पास बच रहा है 2 आयोटा
अपॉन में 2 होल रेस टू पावर 3 माइनस, यहां से 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या, बचा अपने पास माइनस 2 आयोटा अपॉन में 2 होल रेस टू पावर 3। अच्छा जी आगे सॉल्व करो सर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन है, बचा ही क्या क्वेश्चन में, 2 से कर दो 2 कैंसिल, कर दिया भाई, बचा क्या आयोटा रेस टू पावर 3। बेटा आयोटा क्यूब कितना पड़ा आया, आयोटा क्यूब होता है बेटा माइनस आयोटा, बढ़िया सर, यहां भी तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, कर दोगे तो बचेगा माइनस आयोटा क्यूब। अच्छा आयोटा क्यूब कितना होता है, आयोटा क्यूब कितना होता है, आयोटा होता है माइनस आयोटा, एंड माइनस ऑफ माइनस आयोटा इज प्लस आयोटा, तो माइनस ऑफ प्लस आयोटा दैट इज माइनस आयोटा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। यहां क्वेश्चन हो गया अपना समाप्त, बहुत ज्यादा स्टेप्स लगी नहीं, ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, अगर आप खुद से करोगे आपको समझ आ गया, आप खुद से करोगे तो फाइन के सर तो बहुत इजीली हो गया, अगर मैं एलसीएम लेके करने की कोशिश करता तो बहुत टाइम लग जाता, क्यों टाइम लगाना है, पढ़ाई इसलिए तो है ताकि टाइम बचाए, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, इजी सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है, वो अपने यहां सीखा, समझ आया बच्चा। तो बच्चा आज के लिए अपन यहीं पर रैप अप करते हैं, आज अपने क्या क्या पढ़ा मैं फटाफट से रिवाइज कराता हूं, अपने पहले पढ़ा आयोटा क्या है, आयोटा को डील कैसे करते हैं, कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक देखा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे उसके बेसिक ऑपरेशन अपने परफॉर्म करना है, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे का पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इतना बहुत है बच्चा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू बच्चा।